बीते हफ्ते बड़ी चोरियों और लूटपाट के अलावा डकैती की कई घटनाओं का गढ़ बन चुके लक्सर में बृहस्पतिवार की मध्य रात्रि को इस्माइलपुर मार्ग पर 5 अज्ञात बदमाशों के द्वारा चर्चित लूटपाट का आखिरकार पुलिस द्वारा 24 घंटों में ही खुलासा कर दिया गया है। दरअसल पास के ही लंडौर निवासी साजिद नामक पीड़ित युवक एक स्टोन क्रशर पर धन अदायगी के लिए अपने साथी के साथ बाइक में जा रहा था कि गन्ने के खेत में पहले ही घात लगाकर बैठे 5 अज्ञात बदमाशों ने अचानक उनको तमंचे के बल पर रोककर बलपूर्वक 78,700 की नकदी समेत मोबाइल और पर्स आदि लूट कर फरार हो गए। पुलिस को लूटपाट की सूचना मिलने पर जिले के कप्तान तक पहुंची बात को उन्होंने गंभीरता से लिया और संज्ञान में लेते हुए सीसीटीवी के आधार पर 2 पुलिस की सदस्य टीम गठित कर छानबीन शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने 24 घंटे में ही सफलता प्राप्त की है और 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लक्सर से अमित गिरी को स्वामी की रिपोर्ट। कार वाइस को साजिद ने जो है सूचना दी, लंडोरा के निवास साजिद है, इसने सूचना दी कि मैं रात के समय गणपति क्रेसल हाउस क्रेस में माल के पैसे देने जा रहा था। तो जब हम इस्माइलपुर से थोड़ा आगे पहुंचे तो गन्ने के खेत से 5 लड़के निकल के आए और उन्होंने तमंचे से आतंकित करके उनके उनसे 78,700 रुपये लूट लिए और उनके पर्स और जो कागज़ सब लूट लिए हुए, इस मोबाइल फ़ोन सब लूट लिए। इसके बाद सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करके मुकदमा कायम किया गया और इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें उनके पास से 2 तमंचे और पूरा जो लूटा हुआ माल था सब बरामद हो गया है। इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो गिरफ्तारी करिए भेज कहाँ करने वाले हैं? इसमें एक तो है कलियर का है, बाकी जो है सुल्तानपुर।